तो अगर आपको बार बार कर्ज लेने की नौबत आ जाती है या आप कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो आपको ऐसे में कुंडली में मंगल ग्रह पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। साथ ही ये भी बताएं पंडित जी हमें कि मंगल के कुप्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, मंगल को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है और मैं अपने कार्यक्रम में 12 सालों से आपको बता रहा हूं कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी वापस नहीं हो पाता, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेकर देख लीजिए, चाहे कोई लोन लेकर देख लीजिए, चाहे किसी से आप नगद पैसा लेकर देख लीजिए, आपकी स्थिति वहां से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी और आप वो कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। मंगलवार के दिन कर्ज लेना नहीं चाहिए और मंगलवार के दिन कर्ज वापस करना चाहिए। चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर कर्ज हो, अगर हर मंगलवार के दिन आप कर्ज वापस करना शुरू करें तो अति शीघ्र आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया था मैं, अगर जिसकी कुंडली में छठे और दसवें भाव में मंगल हो तो ऐसा आदमी रोग से नहीं परेशान होता है। ऐसा आदमी जादू टोना टोटका नजर दोष से परेशान होता है। जिसकी भी कुंडली में छठे भाव में या दसवें भाव में मंगल हो, वो कान खोल कर सुन लें, बीमार होने पर पहले अपनी नजर झड़वाएं, एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके किसी हनुमान मंदिर में तोड़वाएं। ये उपाय जरूर करें, उसके बाद दवाइयां अपने आप फायदा करने लगेंगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कुंडली के छठे या दसम भाव में मंगल हो तो अभिचार जनित रोग होता है। अभिचार क्या है भाई? अभिचार है नजर, अभिचार है तंत्र मंत्र, अभिचार है जादू टोना टोटका, ये अभिचार है। और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगता है जब छठे भाव में मंगल होगा या दसवें भाव में मंगल होगा तो अभिचार जनित रोग होगा, और अन्य स्थान पर होगा तो अभिचार जनित रोग नहीं होगा। आठवां और भाव 12वां भाव ये कर्ज का भी कारक भाव है। जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ युति में होता है तो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, लेकिन व्यक्ति कर्जा चुकाने में असमर्थ हो जाता है। मंगल कुंडली में 8वें 12वें या 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति कर्ज से परेशान रहता है। कर्ज के चक्कर में बुरी तरह से अगर फंस चुके हैं तो हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन करने से भी आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।